आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। बोल चंदा प्रभु भगवान की जय, बोल मेरे वाले बाबा की जय, बोल जंगल में मंगल करने वाले बाबा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सुखियों की पुकार सुनने वाले बाबा की जय, बोल मेरे वाले बाबा की जय, जय हो। भगवान की जय, मेरे वाले बाबा की जय।
पवित्रम कुरु कुरु झम 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 बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम सह स्वाहा। थोड़े से पुष्प लेकर के पूरब दिशा की ओर मुख कर ले और करते हैं दिग्बंधन। ओम राम नवरिन ताड़म राम पूर्व दिशा समागत विज्ञान निवार निवारय एतान सर्वान रक्ष रक्ष माम रूम फट स्वाहा। ओम दीम नमो सिद्धाड़म रीम दक्षिण दिशा समागत विज्ञान निवार निवारय एतान सर्वान रक्ष रक्ष माम रूम फट स्वाहा। ओम रूम नमो वायरियाणम रूम पश्चिम दिशा समागत विज्ञान निवार निवार एतान सर्वान रक्ष रक्ष माम रूम फट। ओम रूम नमो अज्ञाणम रूम उत्तर दिशा समागत विज्ञान निवार निवार एतान सर्वान रक्ष रक्ष माम रूम फट। ओम रा नमो लोहि सभ्य सावणम रा सर्व दिशा समागत विज्ञान निवार निवार एतान सर्वान रक्ष रक्ष माम रूम फट। ओम रा नमो लोहि सभ्य सावणम रा सर्व दिशा समागत विज्ञान निवार निवार इतान सर्वान रक्ष रक्ष माम रूम फट स्वाहा। चलती हैं इसी के साथ, अपनी रक्षा हो भी इस हेतु रक्षा मंत्रों से अपने आप को भी वंचित कर लो। अशोक ओम रूम छुरूम फट की टीम घाता घाता पर विज्ञान स्फुट स्फुट सहस खंडान कुरु कुरु पर मुद्रान चिंत चिंत पर मंत्रान बिंद बिंद छाम छा वाह वाह रूम फट स्वाहा। ओम नमो रति भगवते प्रक्षीणा से दुष्कल में सायते पितिजी मूर्ति नमः श्री शांति नाथाय शांति कराए सर्व विघ्न प्रनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकार छिद्र पत्र विनाशनाय सर्व शाम डावर विघ्न विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराए। ओम राम रीम रूम रोम रा असिया उषा नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु
बोलो पदम प्रभु जी की, बोलो सुपार्श्वनाथ जी की, बोलो चंद्र प्रभु जी की। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, करिएगा हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री पुष्पदंत जी की जय जय जय, श्री शीतलनाथ जी की, श्री शेयनाथ जी की, श्री वासुपूज जी की, श्री विमलनाथ जी की, श्री अनंतनाथ जी की, श्री अरहनाथ जी की, श्री शांतिनाथ जी की, श्री मुनि सुप्रतनाथ की, श्री नमीनाथ जी की, श्री पार्श प्रभु जी की, महावीर स्वामी जी की। ओम दीम श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवान निस्तपन पीठे तिष्ठे 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 जगतः सर्व शांतिम करोतु। चार कोनों में कितने कलश, तो लीजिए कि श्री तीर्थ कृष्ण पन्यवर ये विधौ सुरेन्द्र चिराब दीवारी रहिए पूरिए दुग्ध कुंभान यस्ता त्रिशने बेबे भावे यथा हरिण संस्थापय कुसुम चंदन भूषिता इसना पे हम सो जन्म पाइन सर्व सिद्धि दा। ओम रीम श्री विश्वादेवी विराताञ्जलि निष्ठप्यामिति स्वाहा। ओम रीम श्री विश्वादेवी निष्ठप्यामिति स्वाहा। ओम रीम श्री विश्वादेवी विराताञ्जलि निष्ठप्यामिति स्वाहा। कहे करिश्मा वाणी का, कहे करिश्मा या त्याग का, कहे प्रताप गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। अरे गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, माता कर लो स्वीकार। अरे माता हमको दीजिए संयम का उपहार। अरे गुरु जी हमको दीजिए संयम का उपहार। नगर तिजारा में गुरुवर की तो कुछ कृपा निराली है। नगर तिजारा में गुरु गुरुवर की कृपा निराली है। भेज दिया है शिष्यों को अब तो गुरुवर की बारी है। भेज दिया है शिष्यों को अब तो गुरु आपकी भारी है। गुरु संग सहित आ जाए, गुरु संग सहित आ जाए, मंत्री जी गुरु संग सहित आ जाए, मिल करे सभी पुरुषार्थ। गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। अरे गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोहे, सब जीते अक्ष समाज तुम सब अरुको है। नंदीश्वर श्री जिन और मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष और सबको अगर मिला भी लिया तो अनर्घ पद यानी अमूल्य पद वो भी मोक्ष। कुल मिला के घूम घुमा के क्या चीज मांग रहे हैं? एक ही भावना है और कुछ भी भावना है। मांगना यद्यपि बुरा समझा किया मैं उम्र भर, और किंतु अब जब मांगने को कहते हैं मांगना मरण समान है, मत मांगो कोई भी, और मांगन से मरना भला, यह सदगुरु कभी मांगना नहीं चाहिए। पर भगवान जब मांगने को आई गया और तुम जैसा दानी, हालांकि भगवान दानी नहीं है फिर भी भक्त कह रहा है कि और फिर सौभाग्य से जब आप सा दानी मिला तो भला फिर मांगने में आज क्यों रखूं कसर। प्रार्थना है आप ही जैसा बनाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने और कुछ नहीं लिया, बस एक ही भाव। हर पूजा का एक ही भाव है, हर विधान का एक ही भाव है, हर स्तुति आराधना सब कुछ एक ही स्थान पर पहुंचने की है। भगवान कैसे भी हमारे कर्मों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो और समाधि मरण हो, वो तो हमारा भाव बना रहे
उद्देश्य तो एक ही होता है कि पेट भरना है। अब वो कैसे भरे, रोटी नहीं भाती तो पूड़ी खा लो, पूड़ी नहीं भा रही है तो पराठा खा लो, और नहीं भा रही तो पकवान खा लो, कैसे भी एक ही उद्देश्य है कि उधर की पूर्ति हो जाए। हमें तो एक ही उद्देश्य है अपना कि हे भगवान हमारे कर्मों का क्षय हो, हम जिनकी आराधना कर रहे हैं हम भी उसी समूह में शामिल हो। है सिद्ध स्वपद, है निश्चित सिद्ध स्वपद मेरा, हे प्रभु कब इसको पाऊंगा, इसके अलावा और कुछ अपने को नहीं चाहिए। चलिए भांति भांति से अपन चलते हैं भगवान की आराधना करने के लिए। मुझे मालूम है कि तू पूरे समय मेरे साथ नहीं रहेगी, जब तू चली जाएगी तो मेरी तो आदत पड़ गई है दही खाने की, मैं क्या करूंगा। तू मुझे बता दे कि दही कैसे बनाती है तू, जिससे मैं भी वैसे ही दही बना लूं। मैं रोज देखता हूं माँ तुझे, तू दही में दूध में जाम डालती है, या जाम डालो, नरेटी डालो, या बादाम, कुछ भी डालो, और जैसे ही जाम डालती है और कहती है जय श्री राम, तो माँ तू ये बता, ये दही जो बन रहा है वो जाम से बन रहा है कि राम से बन रहा है। अगर राम से बन रहा है तो जाम की क्या जरूरत है, और जाम से बन रहा है तो फिर राम की क्या जरूरत है, माँ बता। तब माँ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि देख बेटा, दही तो जाम से ही बनेगा, बिना उसके नहीं बनेगा, पर राम इसलिए कि कल जब दही अच्छा बन जाए तो मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए कि मैंने दही बनाया नहीं, वो तो राम का नाम लिया था ना, इसलिए बन गया। हम इसीलिए कहते भगवान कि मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे बाबा मेरा नाम। ये अहंकार, वो नहीं कर रहे कुछ, ये जान रहा हूं, फिर भी कहीं अहंकार में ना झूल जाऊं भगवान, इसलिए सब कुछ आपके ही प्रसाद से हो रहा है, ऐसा कहते रहना तो हमेशा हम यथार्थता के धरातल पर खड़े रहेंगे, अन्यथा आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए उड़ोगे और धरती से छूट जाओगे। तो जैसे वो पतंग अगर डोर हाथ में है तो ऊंचाइयों को छू रही, और डोर छूटी तो नाली में गिरेगी कि कहां गिरेगी जाकर के कोई पता नहीं है। हे भगवान आप ही हमारे पालनहारे, आप ही हमारे तारणहारे हो। बोलो भैया आगे। ओम रेम त्रि नंदी सरदी पे दुई पंचाशस्त्री जिनानी पत्नाभ्यो मोहंद कार विनाश नहीं दीपम निर्वामिति स्वाहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। बाकी मैं जाम तो एक केवल भैया कारण है, लेकिन कारक तो वही है, प्रभु ही है। जब इतना समय गुजर गया भैया से, एक बार मैंने बात की लॉकडाउन के दौरान, कई लोग पूछते हैं हम लोगों से, भैया पूछते हैं मुझसे अक्सर कि अंकित भाई अच्छा गाते हो ठीक है, इसके अलावा क्या करते हो। भाई मैं गाता हूँ, एक्चुअली आर्ट को कोई कुछ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है, मैक्सिमम जैन समाज में तो बिल्कुल भी नहीं। कोई अपने बच्चे को डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, या अपना जमा हुआ बिजनेस देना चाहता है, आर्ट लाइन में कोई नहीं लाता। कोई ना कोई कारण होता है इन आर्टिस्टों के पीछे जो ये आज बजाने के लिए घर से निकले हैं, सब कुछ निकले हैं। इतना लॉकडाउन लगा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा चलता रहा, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का पूरा, किसी का तो बहुत ज़्यादा चला। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने रिप्रोड्यूस की, मैन्युफैक्चर की। तो भैया से मैंने एक दिन कहा, भैया हमारी तो हालत बहुत गड़बड़ है। भैया ने कहा दिन बदलेंगे, सब बदलता है, और आज ऐसा है कि लगभग 2 महीने हो गए होने वाले हैं और मैं घर नहीं गया हूँ। तो यही प्रभु की कृपा है, और हम सब यही बार बार निवेदन करते हैं प्रभु से, और यही जानते हैं हम हकीकत कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, हैरान है, गाँव बजा के काम चल जाता है, आया मंजिल भी मिल रही है,
और हकीकत तो ये है, मेरे गुरुदेव, मेरे भैया जिनको हमने गुरु माना है, 6-7 साल से मैं साथ में हूँ, उनकी कृपा है कि करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। अगर उसका कमाल आप सभी के ऊपर हो तो एक बार हाथ उठा के ताली बजा के मेरा साथ दीजिए और कहिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम। तालियां अच्छे से बजाइएगा। दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन माही लसे टूटे कर मन की। अच्छा चलिए, दीप धूप चढ़ाना है भैया, चलिए। कृष्ण नागर धूप सुवास दश दिश नारी वरे अति हर्ष भाव प्रकाश मानो नृत्य करे। नंदीश्वर श्री जिन धाम वामन पूज करो वसु दिन प्रतिमाया विराम आनंद बाब। बोले नंदीश्वर दीप महान चारों बावन जिन सुर नर। वास्तव में इस लॉकडाउन में बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, पर जितना ज्यादा फायदा मेरा हुआ है शायद ही किसी का हुआ हो, क्योंकि इतने सारे वर्षों में, बहुत वर्षों के बाद लगातार पूरे 2.5 महीने आचार्य भगवंत के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। 2 दिन पहले ही मैं पहुंचा हूं यहां, 16 तारीख को मैं जैसे ही रेवती रेंज इंदौर पहुंचा, गया था काय के लिए कि 3 महाराजों के कमंडल टूट गए थे, चलो चल करके वहां सुधार दूंगा, और वहां पहुंचा हूं और लॉकडाउन लग गया। 2.5 महीने में 33 महाराजों के कमंडल, स्वयं आचार्य भगवंत का जब कमंडल सुधार करके उनके हाथ में दिया, सबसे लास्ट में हिम्मत नहीं पड़ती थी उनका कमंडल उठाने की, सबके सुधार दिए, उसके बाद जब उनका कमंडल लेकर के आए सुधार के, 10 तारीख को उनका कमंडल दिया, तो एक महाराज कहते हैं कि ये बाजोटा हिल रहा है, इसकी ये ऊपर की लकड़ी ठीक है, मैंने कहा अभी काट के ठीक करता हूँ, और ठीक कर रहा था, अंगूठे में जैसी मशीन गई अंगूठे की एक हड्डी अलग हो गई, हालांकि जुड़ गया बिल्कुल ठीक है। देखो मैंने सोचा, देखो गुरु दक्षिणा हो गई, अगर आचार्य श्री का कमंडल पहले दिन बना लेता तो उसी दिन कट जाता दूसरे दिन, पर बाकी के नहीं बन पाते, कहीं ना कहीं से गुरुदेव का चमत्कार भाव ही नहीं हुए, सबसे लास्ट बनाया। वह गुरुदेव का ही आशीर्वाद है कि अपने आप बड़ी से बड़ी दिक्कत भी कैसे निकल जाती पता नहीं चलता, एक्सीडेंट जब हुआ, हाँ ऐसे ही इनोवा गाड़ी, और पूजनीय वृषभमती माता जी जिनकी समाधि हो गई, उनके कलश स्थापना करवाने के लिए तेंदुखेड़ा जा रहा था, 4 कलाकार साथ में, स्वयं में 5-2 पुजारी, नागपुर से चला लखना दौन होते हुए 2 लोगों को उतार करके आगे बढ़ा, तेंदुखेड़ा से 20 किलोमीटर पहले रात के 3 बज गए थे, कैसे भी पहुंचना जो था स्थापना करवानी है, बस ड्राइवर को न जाने क्या हुआ झपका लगा कि डिवाइडर से दे मारी गाड़ी, जैसे ही दे मारी नमो अरिहंताड़म, 1 पलटी 2 पलटी 3री पलटी में तो डिवाइडर में जाके खड़ी हो गई गाड़ी, सारे शीशे दरवाजे सब खत्म। मैंने कहा सब ठीक ठाक तो हो, सब लोग कहते व्यवस्थित बैठे हैं गाड़ी में, बैठे किसी को कुछ नहीं हुआ, देखना पूरी गाड़ी पलट करके खड़ी हो गई, सामान सब बिक गया, ऊपर केबिन था तो छत नहीं बैठ पाई, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, इतनी रात को फोन लगा रहा हूं तो कोई उठा भी नहीं रहा है। मैंने कहा चलो गाड़ी को तनक उतारो, अब डिवाइडर कम से कम 9 इंच तो रहता है, 9 इंच से गाड़ी कुदा पाना बहुत मुश्किल, फिर भी गाड़ी कुदा दी उसने, 1 किलोमीटर ही धीरे धीरे चल पाई कि दोनों व्हील सामने के निकल करके बाहर फेंकने को हुए, उनका ठहर जाए,
एक घंटा इंतजार किया, उसके बाद जब 4 बजे लोग उठे लेकर के गए, बिल्कुल व्यवस्थित। ये क्या है, किसने संभाला था? वो विश्वास था, कोई ना कोई तो है। उस समय मुझे सिर्फ एक ही जोड़ी पांव के निशान दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वही तो समय था जब मुझे उठा करके वो चल रहे थे। ये सत्य है, सत्य है। वो परमात्मा का अगर हम अपने अंदर स्मरण करें, महसूस करें, तो हर परेशानी से बच सकते हैं। बहुत थोड़ी सी भी चीज में हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ सकते हैं। कितने लोग परेशान होते, भैया दुकान नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रहा, बहुत बड़ी समस्या है। मैं कहता नहीं रे, परमात्मा को याद करो, अंतरंग में संतोष धारण करो, तो तुम्हारे हाथ में वो छोटी सी भी चीज है। ये चांदी के बर्तन को भी हम सोने का समझ सकते हैं, ये स्टील के बर्तन को भी चांदी का समझ सकते हैं, अगर अंतरंग में संतोष गुण है तो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तब तो कहते हैं जिंदगी अब हमारी सजल हो गई, और अश्क रोने लगे तो गजल हो गई, और जब से छोड़ी है हमने सभी ख्वाहिशें, मेरी छोटी सी कुटिया महल हो गई, मेरी छोटी सी कुटिया। लोग याद कर रहे थे कि भैया चंद्रसेन जी नहीं आ पा रहे हैं, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, शाम को आपको चंद्रसेन की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अभी अपन चलते हैं, पहले विधान कर लेते हैं, और आज शाम को अपन कवि सम्मेलन करेंगे। यहाँ पर भी अगर कोई ऐसे कलाकार हो जो कविता में रुचि रखते हो, मैं उनसे निवेदन करूंगा आज उनको आमंत्रित करना। आज इसी मंच से पिच्छी का परिवर्तन के बाद भव्य कवि सम्मेलन होगा, ठीक रही बात? जो भी हो हमारे तक नाम पहुंचाना, कोई बहनें हो, कोई महिलाएं हो, पुरुष जो भी हो, जिनकी भावना हो, आज यहीं से ठीक 7 बजे से भव्य कवि सम्मेलन यहाँ पर होगा। यहाँ पर बड़े कवि नहीं आएंगे, अच्छे कवि आएंगे। क्या कहा? बड़े कवियों को नहीं बुलाएंगे, अपन अच्छे कवियों को बुलाएंगे, मिलकर के अपन कवि सम्मेलन करेंगे। अभी अपन चढ़ाते हैं ओम रेम त्री नंदी सरदी पे दुई पंचाशस्ति जिला जनप्रतिमा पियो वस्तो कर्म दहिनाये धूपम निरपम दे स्वाहो विधि फल ले तिराजी रंग मा रंग गयो रे हा रंग मा रंग मा रंग मारे प्रभु ताराजी रंग मा रंग गयो रे पिच्छिका परिवर्तन की घड़ियां आई हैं, बब पिच्छिका परिवर्तन की घड़ियां आई हैं, बधाई है सबको बधाई है, बधाई है बधाई सबको बधाई है, बब पिच्छिका परिवर्तन की घड़ियां आई हैं, बब पिच्छिका परिवर्तन की घड़ियां आई हैं, बधाई है बधाई सबको बधाई है, बधाई है बधाई सबको बधाई है। मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ मेरे बाबा ओ प्यारे चंदा बाबा बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे ओ ना मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ चंदा बाबा ओ मेरे प्यारे बाबा बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे एक सौ त्रिसठ कोड़ी जो जन्महा लाख चौरासिया एक दिश में लहा
दीप नंदीश्वरम भाषरम भवन बाबन प्रति पानमो सुखकरम चार दिशी चार अंश जनगिरी राजही सहस चौरासिया एक दिशी छाजही ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम भवन बाबन प्रति मानमो सुखकरम एक एक चार दिशी चार शुभे बाबरी एक एक लाख जो जन अमले जलवरी चहुं दिशा चार अन लाख जो जन परम भवन बावन प्रति मानमो सुख करम सोल बापी पूजा करने चित्त में भाव उठे जिन रात ओम रीम श्री सिद्ध परमिष्टि समूह अत्र अवतर अवतर संभोषित तिया वाहनन अत्र तिष्ठि तिष्ठि ठाय ठाय स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलिम छिपेत स्वर्णिम झारी में निर्मलतम जल ले आऊंगा जन्म जरा का रोग मिटाने चरण चढ़ाऊंगा सिद्ध यंत्र को सिद्धालय में जाने पूजूंगा इच्छित फल को पाकर भव में अब नहीं उलझूंगा ओम रीम श्री सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलमद्रुपामिति चंदन चांदी के कलशों में बल कर राहों में पाप ताप संताप मिटाने चरण चढ़ाऊं मैं सिद्ध यंत्र को सिद्धालय में जाने पूजूंगा इच्छित फल को पाकर भव में अब नहीं उलझूंगा ओम रीम श्री सिद्ध परमेश्वर जी आए भक्तों के साथ ऋषियों के साथ भक्तों के साथ ऋषियों के साथ हाँ आई 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 देखो माता जी आए आई 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 थोड़ा ताली बजा के आई 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 देखो माता जी आई 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 देखो माता जी आई भक्तों को साथ ऋषियों के साथ पृथ्वी के हाथ का मंडल ले साथ देखो आई 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 देखो माता जी आई 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 देखो माता जी आई 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 देखो माता जी और हमको अपना आसरा दे रसमयी रस ना पिला दे ओ गुरु माँ प्यारी माँ प्यारी माँ प्यारी माँ बोलो हमको अपना आसरा दे रसमयी रस ना पिला दे प्यारी माँ प्यारी माँ प्यारी माँ प्यारी माँ सभी हाथ जोड़ के अपने सर को झुकाकर बोलेगा वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता जी और सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके गुरुदेव की भक्ति करते कमाल हो गया जी कमाल हो गया जी कमाल हो गया जब ये गुरुवर जी को त्याया जब से गुरुवर को है त्याया हर भगत यहाँ माला माल हो गया कमाल हो गया जी कमाल हो गया जी कमाल हो गया समय ब्रह्मचारी अवस्था में काफी दिन हम लोग साथ रहे पूज आचार्य भगवान वसुनंती महाराज की सानिध्य में मैं नाम से तो पहचान ही नहीं पा रहा था पर जैसे ही महाराज श्री को देखा उनका ये तो अपने ही महाराज भैया जोरदार जयकारा के साथ संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की आचार्य कल विवेक सागर जी महाराज की
जमली आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री पुष्पानंद जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री शिवानंद जी महाराज की, अर्चिका श्री विज्ञानमती माता जी की। मुनि श्री के चरणों में कोटिशा वंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि भूस्वामी अब सब अपना अपना जैसा लग रहा है तो क्यों ना हो, सिद्धों की आराधना चल ही रही है और बहुत सारा समय नहीं, अब 2-3 दिन का समय है ही, और इन समयों में आपका आशीर्वाद इस विधान के अंतिम क्षणों में हम सबको मिले, ऐसी मंगल भावना को लेकर के महाराज श्री के चरणों में वंदन और निवेदन कर रहे हैं। और निवेदन करते हैं महाराज श्री, मंत्रों के उच्चारण आपके मुखारविंद से हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विवेक सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। जय बोले पूज्य मुनिवर श्री शिवानंद जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रश्नानंद जी महाराज की, मुनि आरिका संघ की। ओम ह्रीं श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घपद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। 8 दिशाओं की अर्घ चढ़ाने के लिए प्रमुख पात्र पुनः यहाँ पर आ जाएं। महाराज श्री को देखकर के लगता है बहुत थोड़े से दिन ही महाराज जी आचार्य वसुनंद जी महाराज के संग में रहे ब्रह्मचर्य अवस्था में और मुनि अवस्था को प्राप्त कर लिया। यूं ही लगता है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिले और कोई हमारी तरह अभी भी सफर में है। भगवान करे हमारा सफर भी पूरा हो, ऐसी मंगल भावना आती है। दिशा रही पूरबी अहो आदि किसान, अरि चढ़ा पूजा करो नमो अनाहत मां। ओम ब्रीम अ आ ई ई उ रि रि लल रि ए ऐ ओ औ अम ह अनाहत विद्यायै नमः। पूर्व दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति। हालांकि एक चीज और लगती है मुझे, घर से निकलती मंजिल मिल गई हमारी तरह सफर में, पर मैं ये बात भी जानता हूँ कि पहुंच ही जाएंगे भटकते ही सही मंजिलों तक, पहुंच ही जाएंगे मंजिलों तक भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दिशा रही अग्नि जो चढ़ा पूजा करो नमो अनाहत माते। ओम ब्रीम क ख ग घ ञ अनाहत विद्यायै नमः। आग्नेय दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दिशा रही दक्षिणे अहो चाचा मई किसान, अर्घ्य चढ़ा पूजा करो। देखिए जो बहनें बैठी हुई हैं अष्टकुमारियों के रूप में, बुआ जाएं और एक एक दिशाओं के अर्घ में अपनी सहभागिता निभा लें। बहनें आ जाएं। ओम ब्रीम च छ ज झ ञ अनाहत विद्यायै नमः। दक्षिण दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दक्षिण पश्चिम कोण जो टाटा वैगि किसान, अर्घ्य चढ़ा पूजा करूं नमो अनाहत मां। ओम ब्रीम टठ डढ़ण अनाहत विद्यायै नमः। नैऋत्य दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दिशा रही पश्चिमे अहो ताता वैगि किसान, अर्घ्य चढ़ा पूजा करूं नमो अनाहत मां। ओम ब्रीम तथ दधन अनाहत विद्यायै नमः। पश्चिम दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दिशा रही वायव्यजो पापा वैगि किसान, अर्घ्य चढ़ा पूजा करो नमो अनाहत माते। ओम ह्रीं प फ प भ म अनाहत विद्यायै नमः। वायव्य दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति। दिशा रही उत्तरे अहो यरलभ से जो सा,
हर किचड़ा पूजा करूं नमो अनाहत माते। ओम रीम यर लव अनाहत विद्यायै नमः उत्तर दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति। दिशा रही ईशासि जो शाश्वत सुख को प्राप्त हुए अभिकारी है, निश्चल निज में लीन रही है, सिद्ध आत्म सुखकारी है। रहे अमूर्ति के आँखों से नहीं दिखते और न स्पर्शन से स्पर्श किए जा सकते स्वामी, क्योंकि नयन में स्पर्श रहे नहीं ग्रहण से सूंघ सकेगा कोई भी इस जग भर में, तथा कान से सुन न सकेगा रिद्धि युक्त भी मुनिवर से। रसना से नहीं रस आ सकता सिद्ध यंत्र का अहो अहो, ऐसे सिद्धों की महिमा को कह सकता है कौन कहो। स्वयं अक्ष से रहते हुए है कर्म रहते ये तन से भी, रहते हुए पर कोई इनका ध्यान करे यदि मन से भी। कर्म काली मानस करेगा क्षण भर में सुख पावेगा, गाते गाते का मूल मिटा कर इन जैसा बन जाएगा। अनंत ऐसे सिद्ध लोक के शीश विराजे अब चले, सिद्धालय में आत्मिक सुख को भोग रहे हैं अब कले। अहो अनंत अनंत गुणों के सागर के मैं गण गाऊं, पूजा करने अष्ट द्रव्य की थाली भर कर ले आऊं। नाचूं गाऊं डोली बजाऊं घंटों की टंकार करूं, बजा बजा कर जुन जुन जुनिया द्रमि द्रमि दीना नाद करूं। हर्ष हर्ष कर आनंदित स्वर लहरी में गाऊं में, मुलक मुलक कर तेरे पद की पूजा नित्य रचाऊं में। शब्द शक्ति यह सीमित है अरुदेह शक्ति भी सल्प रही, मन की क्षमता भी तो स्वामी सीमित है अति अल्प रही। सोचे माला पूरी करके कोटि कोटि शह नमन करूं, पल में स्वामी तेरे जैसे सुख सागर का वर्ण करूं। ओम ब्रह्म श्री सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः। जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। परमात्मा का स्मरण करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मणुवेणा इंद सुर धरी छत्तया, पंच कल्याण सोखावली पत्तया, दंसणम नाण झाड़म मणंतम बलम, तेजिणा दिन्तु अहम वंवरम मंगलम। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका, चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका, मोक्ष मार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खजराज श्री अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक तीर्थंकर श्री चंदप्रभु भगवान की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य कल्प श्री विवेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जनवाणी माता की, पूज्य मुनिवर श्री शिवानंद जी महाराज की, मुनिवर श्री परशुरामानंद जी महाराज की, मुनि संघ की, आरिका संघ की उपस्थित सच श्रद्धालु,
सच श्रद्धालु देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावंत, धर्म श्रवण करने के लिए आतुर, भक्ति रस में लीन आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, जिन शासन की अक्षुण परंपरा में अनेकानेक संत हुए, अरहंत हुए, महंत हुए, और उन सभी ने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, ऐसे ही जिन भक्ति के लिए प्रेरित करते हुए आचार्य भगवान श्री पद्मनंदी स्वामी जी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में षट आवश्यक कर्तव्यों के बारे में कहा, देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तपस्या, ये दान आदि जो छह आवश्यक कर्तव्य हैं, इसको प्रतिदिन प्रत्येक श्रावक को करना ही चाहिए। जो नहीं करता है वह कर्तव्यों से चोरी करता है। कैसे करें? तो उसका आधार दिया, जो पहला कर्तव्य पालन कर लेता है उसके षट आवश्यक की पूर्ति हो जाती है। थोड़ा सा इसको गौर से समझ लेते हैं। पहला आवश्यक देव पूजा, जो देव पूजा करता है उसका प्रथम आवश्यक तो पूरा हुआ ही हुआ, और उसके साथ साथ वह गुरु की उपासना भी है। देवशास्त्र गुरु की पूजन के माध्यम से, गुरु की स्वतंत्र पूजा के माध्यम से उसको संपन्न करता है। अरहंत को भी प्रथम गुरु स्वीकार किया तो भी गुरु की उपासना उसमें समाहित हो जाती है। स्वाध्याय तीसरा कर्तव्य है। जब गुणों का चिंतन करते हैं, उनका रसास्वादन करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, उनके उस स्वरूप को निहारते हैं, देखते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, वह स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। अनुप्रेक्षा एक प्रकार का स्वाध्याय, उसी के विस्तार में गुणों का चिंतन भी समाहित है। संयम ये चौथा आवश्यक है। जो श्रावक गुरु पूजा देव पूजा करता है वह उतने समय तक संयम का पालन करता ही है, भोजन पानी का त्याग रखता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, पांचों इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, अतः संयम का पालन हुआ। पांचवा तप। यहां सर्दी का आभास क्या आपको हो रहा है? हो भी रहा होगा तो उठ के जाने वाले नहीं हो, वे यहां पर बैठकर विधान की पूर्ति करेंगे ही करेंगे। यदि भूख का आपको आभास हो भी रहा होगा तो उसे नजरअंदाज करके आप लोग भगवान की पूजन आराधना करेंगे। ये तो कहने की बातें हैं। जो संसारी जीव होता है वो कहता है पहले पेट पूजा बाद में काम पूजा, लेकिन एक जैन श्रावक कहता है पहले देव पूजा बाद में मिले तो पेट पूजा। इसलिए वह तप की श्रेणी में भी आया। और अंतिम दान। बिना दान किए आपकी सामग्री आ ही नहीं सकती। आप श्रावक होकर खाली हाथ से बिना द्रव्य से पूजन कर नहीं सकते। जब तक सूतक पातक की बाधा ना आए तब तक आप लोग खाली हाथ से द्रव्य रहित होकर पूजा नहीं करते। द्रव्य कैसे आएगी? अर्थ के त्याग से आएगी। और यहां पर
आप लोग सामग्री का क्षेपण करते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं, वह दान की श्रेणी में स्वीकार किया गया। तो एक प्रकार से देव पूजा करके षट आवश्यक का पालन किया जा सकता है। इसलिए महानुभाव, प्रतिदिन आपको जिनेंद्र प्रभु की अर्चना करनी चाहिए। और आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे भारतवर्षीय स्तर पर प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र तिजारा जी में आने का, रहने का, उनकी अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तो और आप लोग यहां रहते हुए या तो कह के छोड़ दिया, एक ऑप्शन दिया, या तो हटाओ, फिर कुछ कहा ही नहीं। और याद रखना, ये बहुत बड़ा संदेश है, किसी के रास्ते में आओगे तो हटा दिए जाओगे। हट जाना, दूसरे को रास्ता दे देना। यदि अपनी गति मध्यम है, धीमी है, तो पीछे से आने वाले तेज रफ्तार वाहन को आगे रास्ता दे दिया जाता है। ऐसे ही यदि हमारे जीवन में किसी के हम बाधक बन रहे हैं, तो अपने आप को संकुचित करके उसको आगे बढ़ने का मौका दें। जैसे कोई जीव, कोई श्रावक मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको रोके नहीं, उसको आगे जाने दें। बाधक बनोगे तो या तो हटा दिए जाओगे, या उन्होंने भी नहीं बताया। तो षट आवश्यक का पालन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए महावीराष्टक स्तोत्र में एक बहुत अच्छी बात आपके लिए कही, अंतिम पंक्तियां हैं, कैसे करना चाहिए प्रभु की आराधना। यदर्चा भावेन प्रमोदित मनादर दुर इह, इतना ही बहुत है। वह एक पंचेंद्रिय संगी जीव मुख में पंखुड़ी लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए समावष्टन की ओर जा रहा था। बहुत उदास था, बहुत रो रहा था, जबरदस्ती जा रहा था। ऐसा ही था क्या? प्रमोदित मना, जब भगवान के दर्शन करने वो जा रहा था, तो अंतरंग में इतना उत्साह था, इतना उल्लास था, केवल उसको भगवान की भक्ति नजर आ रही थी, समोषण में दर्शन की अभिलाषा थी, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहां तक कि हाथी के पांव में दबने से पूर्व, ऐसा तो नहीं है कि सडनली हाथी आ गया हो और उसने पांव रख दिया हो, लेकिन वो भक्ति में इतना प्रमुदित था कि उसे हाथी का पांव भी दिखाई नहीं दिया। चक्रवर्ती की सेना उसमें प्रवेश कर गया, और भले ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, लेकिन भक्ति का भाव नहीं छोड़ा। प्राण छोड़ दिए पर भक्ति का भाव नहीं छोड़ा। इसलिए उस दलबल के साथ आ रहे चक्रवर्ती से पूर्व वह देव गति को प्राप्त करके समोषण में जाकर स्थित हो गया। तो महानुभाव, इतना ही सार है। देवों ने नहीं बजाए तो उसी ने बजा दिए। सार इतना ही है कि आप भक्ति को आनंद के साथ करें। जब विधान में आप लोग बैठ ही गए हैं, तो उठ के तो जाना नहीं, जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना संजय जी? तो जब जाना नहीं है, तन से तो बैठ ही गए, अर्घ चढ़ाओगे, तो ऐसा नहीं है कि भैया जी आपसे कहें स्वाहा नहीं बोलना, स्वाहा भी बोलोगे। तो दो क्रियाएं हो रही हैं तीन योग में से, वचन की और तन की। तो तीसरे को इधर उधर घुमाने के बजाय उसको भी यहीं पर एकाग्रचित कर लेना।
मन को भी यहीं रखना, घर गृहस्थी के कार्य तो जीवन भर चलते हैं। यह अष्टानी का पर्व और साथ में दस दस माता जी का सानिध्य आप लोगों को मिल रहा है, ये बहुत बहुत दुर्लभ होता है। एक एक माता जी एक एक कल्प वृक्ष के समान है। अभी रास्ते में पता करा, श्रावक बता रहे थे कि माता जी ने छह डाला की कक्षा, तत्वार्थ सूत्र की कक्षा 24 ठाना और कर्म कांड की कक्षा भी आप लोगों के लिए। तो यह कोई कल्प वृक्ष से कम नहीं। कल्प वृक्ष तो सामान्य से भोग भूमि में भोग पदार्थ देते थे, लेकिन माता जी ने आपके लिए एक ऐसी संपत्ति दी है जिसका उपयोग करके आप इन भोगों भोग से ऊपर उठकर उस शाश्वत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस विधान में बड़े ही मनोयोग के साथ बैठे और बड़े ही आनंद के साथ बैठे, बिना किसी संकलेश के, बिना किसी विपरीत मनोभाव के। और दूसरी बात, एक संदेश आज एक और पता लगा, अभी अभी भैया जी बोल रहे थे, पता नहीं कौन से महाराज जी आ रहे थे, परिचय नहीं था तो तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही परिचय पता लगा तो परिचय के साथ साथ शब्दों में भी परिवर्तन हो गया। अरे ये तो अपने महाराज। इससे संदेश मिलता है कि जितना परिचय बढ़ता है उतना अपनत्व बढ़ता है। लेकिन इसमें भी हमें दो राहों को देखना होगा, एक राह संसार मार्ग की और एक राह मोक्ष मार्ग की। जिसका चयन करोगे उस राह में मिलने वाले लोग आपको अपने नजर आएंगे। इसलिए चयन ऐसी राह का करना है जहां अपनत्व तो मिले लेकिन अपनेपन का भी आभास हो जाए, अनुभव हो जाए। हमें अरहंतों का परिचय करना है, पंच परमेष्टि का परिचय करना है, त्यागी व्रति धर्मात्मा का परिचय करना है। निश्चित ही जब अपनों के साथ चलते हैं तो वह धर्म की राह बहुत सुगम हो जाती है। आप लोगों का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। यहाँ पर कौन नहीं आना चाहता, तीर्थ क्षेत्र चंदाप्रभु भगवान का अतिशय ही कुछ ऐसा है कि दूर दूर से भी यात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। अंधा भी, क्या है वो पंक्ति, बहरे का बहरा पंजावे, पगले का पागल पंजावे। तो जब यहाँ पर सब कुछ चला ही जाता है, आपका क्यों नहीं गया ये तो समझ में नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? आपका परिग्रह अभी तक क्यों नहीं गया ये समझ में नहीं आया, बाकी तो सब ठीक है। महानुभाव, यहाँ पर पहली बार आज माता जी का और हम लोगों का आमना सामना हुआ है। अब तक यही सुना था कि माता जी बहुत व्यावहारिक हैं, गुरुमुख से संकेत भी मिला था कि आप तिजारा जी पहुंचे, माता जी का व्यवहार अच्छा है। लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर उसको चरितार्थ होते देखते भी आनंद का अनुभव। एक बात का तो मलाल रहेगा कि माता जी की आवाज नहीं सुन पाए। उनके बारे में बहुत सुना लेकिन आवाज और सुनते तो अच्छा लगता, लेकिन जितना
ओम ओम। माता जी की तो सुन नहीं पाए, हमारी और बंद हो गई। मानुभाव, आप सभी लोग सभी त्यागी व्रतियों की मन से वचन से काय से खूब सेवा करें, उनकी ज्ञान की उस गगरी को अपने पास रख लें। आप लोगों का यही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का एक साधन है। आप सभी विधानकर्ता और मुख्यता से सौधर्मेंद्र संजय भैया, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव का खूब सारा वात्सल्य से युक्त आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को, आपकी पूरी समाज को आलोकित करता रहे, यही मंगल भावना बहाते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जय बोले पूज्य मुनिवर श्री शिवानंद जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री पश्मानंद जी महाराज की। बंधुओं, आपको ज्ञात हो कि आचार्य भगवंत से बहुत कम आचार्य मुनिराज का आमना सामना हुआ है, पर जिनका हुआ है वो वास्तव में वो उस युग उस श्रेणी के थे जिनमें से एक पूज्य आचार्य वसुनंदी जी महाराज का जब आचार्य भगवंत से मिलन हुआ, एक साथ एक कक्ष में एक चौके में जब आहार हुआ, वो बड़ा अलौकिक दृश्य था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि सब एक ही है। और वो दृश्य भी मुझे याद है, जब पूरे भारतवर्ष में संथारा को लेकर के बात रखी गई थी। उस समय महाराज श्री जयपुर में थे और पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज और स्वयं वसुनंद जी महाराज एक मंच पर आकर के जब उस बात की उन्होंने बात रखी, ये एकता का ही प्रतीक है। ऐसा ही वात्सल और एकता हम सब संघवासियों में बनी रहे, इसी मंगल भावना को लेकर के मैं विधानकर्ता परिवार से, इस कमेटी से और समूची दिगंबर जैन समाज अलवर से निवेदन करूंगा कि पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल लेकर के यह निवेदन करेंगे कि महाराज जी, हमें मालूम है कि आपको अलवर जाना है, आपको अलवर जाना है, पर तिजारा चंदा बाबा के चरणों में बहुत थोड़े से दिन हमें इस विधान तक आपका सहयोग मिले, ऐसी मंगल भावना के लेकर के निवेदन कर रहे हैं। मुनि श्री के चरणों में है श्रीफल अर्पित करके आइएगा। कहते हैं स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को। विधान तक कम से कम रुकने के लिए निवेदनार्थम अर्घम दर्पयामि। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु स्वामी। अरे ते तो आशीर्वाद ते तो मांग लीजिए, ते तो आशीर्वाद गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा, ते तो आशीर्वाद ते तो आशीर्वाद। महाराज श्री माता जी वहां से इशारा कर रही, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही कि महाराज जी आपका प्रवास यहाँ कम से कम कुछ दिनों का हो जाए, इसे तो पूरा संघ आपसे निवेदन कर रहा है, हम भी आपके चरणों में वंदन करते हैं। महाराज श्री रुक जाओ ना, अर्ज का मा विज्ञानवती माता जी की। विद्या सागर की, विवेक सागर की, ओ विद्या सागर की, विवेक सागर की, करते रहो जय जयकार, ये अवसर आए न बार बार। विद्या सागर की, विवेक सागर की, करते रहो जय जयकार। मीठी मीठी तालियां बजा के सभी लोग, और मालथोन से चक्रेश भैया, नितिन भाई अगर यहाँ पर हो तो मैं निवेदन करता हूँ, वीरू जी मालथोन वाला यह कलश नहीं है, चले दोपहर को अपन दे देंगे।
कितना प्यारा कलशा आया, ओ कितना प्यारा कलशा आया, कैसा मंगल अवसर आया, चूमो ना चोरे अरे रे, कितना प्यारा कलशा आया। कैसा इस स्थान पे पूर्व विधान करने हैं, आज तुम लोगों का उपवास है, कैसे फुर्सत से बैठे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। चलिए हम आओ नहीं है पर, जय हो जय हो। तो चलते हैं, कलश अभी यहीं पर यहाँ स्थापित कर लो, यहाँ ले आओ, यहाँ मंच पर कर दो, ऊपर मंच पर, उधर श्रीफल चढ़ाएंगे, यहाँ मंच पर कर दो, वैदिक के पंडित जी आप ऊपर वाले मंच पर कर दो। रहते अष्टगुण मंडित जिन भर सिद्धों की पूजा करता अष्टमी करणम, जय हो। ये स्वर्ण कलश जो शुद्ध जल से पूर्ण भरे, में चरण चढ़ाऊं जन्म मृत्यु को चूर्ण करे, सब 256 पूज्य गुण के धारक हैं, ये सिद्धि आपकी भक्ति भव है, ये सिद्धि आपकी भक्ति भव की मारक है। आमनी सट पंचा सद अधिक घी सद गुण मंडित श्री सिद्ध परमेश्वर बिनम संसार तप नाश न चंदनम निरूपामिति। ये अक्षत उज्जवल सीत थाली भर लाया, जब तुम्हें चढ़ाए देव मन कन मार्गम निरूपामिति। अवग्रह वर्णी प्रभु नहीं रहा विसान, भाग्य खुला मम आज सो मिले शरण तब नाथ। अर्गंद्र पामती माता जी वाला भाई, यहाँ वर्णी का प्रभु नहीं रहा अवसान, भाग्य खुला मम आज सो मिले शरण तब नाथ। विहा मति ज्ञान वर्ण कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निर्वपामिति। साई का जो आवरक नहीं रहा विसात, कि कलम में आज सो मिली शरण तब ना। हवा मति ज्ञान वर्ण कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निर्वपामिति। ज्ञान धारणा आवरण नहीं रहा अवसात, भाग्य गुलाम में आज सो सरश्विनी सदात। धारणा मति ज्ञान वर्ण कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निर्वपामिति। सदका आवरण बिटा सो न रहा अवसाद, भाग्य कुलम में आज सो मिली शरण तब ना। निश्रुत ज्ञान वर्ण कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निर्वपामिति। ज्ञान वर्णी अवधिका नहीं रहा अवसाद, भाग्य कुलम में आज सो मिली शरण तब ना। आवरण नहीं रहा अवसाद, भाग्य कुलम में आज सो मिली शरण तब ना। सर्वावधि ज्ञान वर्ण कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निरूपामिति। सर्वावधि का विरण नहीं रहा अवसात, भाग्य कुलम में आज सो मिली शरण तब ना। सर्वावधि ज्ञान कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निरूपामिति। चतारणी मिटा नहीं रहा अवसात, भाग्य कुलम में आज सो मिली शरण तब ना। मन परे ज्ञान वर्ण कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निरूपामिति। सुजमति का जो आवरण नहीं रहा अवसात, भाग्य गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ। सुजमति मन परे ज्ञान वर्ण कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निरूपामिति। सुबुद्ध बुद्धि का आवरण नहीं रहा अवसात, भाग्य गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ। विपुलमति मन परे ज्ञान वर्ण कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निरूपामिति। केवल ज्ञान वर्ण जो नहीं रहा अवसात, भाग्य गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ। केवल ज्ञान वर्ण कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निरूपामिति। दर्शन के आवरणी चारों पांचों निद्रा मायानी, गाफिल कर दे चेतन को ये होती केवल हानि। ध्यान दे कर जन का ये सुभागा लौटना आया, उन सिद्धों को मलक मलक कर हमने अर्घ चढ़ाया। मूल कर्म प्रकृति रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निरूपामिति। चक्षुष दर्शन आवरण नहीं रहा अवसात, भाग्य गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ। चक्षुर दर्शन आवरण कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निरूपामिति। चक्षुष आवरण नहीं रहा अवसात, भाग्य गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ। अचक्षुर दर्शन वर्ण कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निरूपामिति। अधि दर्शका विरण नहीं रहा अवसात, भाग्य गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ। अवधि दर्शन वर्ण कर्म रही से सिद्ध परमेष्टि भी नमार्गम निरूपामिति। केवल दर्शन आवरण नहीं रहा अवसात, भाग्य गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ। केवल
मंगल दर्शन करूं रही सी सिद्ध परमेश भी नमार के हम निर्वा पावती ज्ञान गृद्धि का आप के नहीं रहा अवसात भागी गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ गृद्धि दर्शन करूं रही सी सिद्ध परमेश भी नमार के हम निर्वा पावती निद्रा निद्रा का प्रभु नहीं रहा अवसात भागी गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ निद्रा निद्रा दर्शन करूं रही सी सिद्ध परमेश भी नमार के हम निर्वा पावती प्रचला प्रचला का प्रभु नहीं रहा अवसात भागी गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ प्रचला दर्शन करूं रही सी सिद्ध परमेश भी नमार के हम निर्वा पावती निद्रा दर्शन आवरण नहीं रहा अवसात भागी गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ निद्रा दर्शन करूं रही सी सिद्ध परमेश भी नमार के हम निर्वा पावती प्रचला दर्शन आवरण नहीं रहा अवसात भागी गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ प्रचला दर्शन करूं रही सी सिद्ध परमेश भी नमार के हम निर्वा पावती वेदनी में सुख में हो या दुख में हो वे दोनों ध्यान अग्नि में जला जला कर नाश करेंगे जो वो सिद्धा लेकर राज करेगा सिद्धपुरी का राजा बनता उसको अर्घ चढ़ा कर सुख पावे हम राजा मूल कर्म प्रकृति रही सी सिद्ध परमेश नमार्गम निर्वा पावती वेदनी साता प्रभु निरावसात भाग्य गुलाम में आज सो मिली शरण तब नाथ कर्म रही सी सिद्ध परमेश नमार्गम निर्वा पावती अहुआ साता वेदनी और कोई है क्या पिछी परिवर्तन के दिवस पर आज पिछी का परिवर्तन हृदय परिवर्तन मन का परिवर्तन पंच परावर्तन से बचना है 51 से 51 1 51 से 51 2 51 से 51 साढ़े 2 पौने 3 और कोई है क्या अरे सोचो जरा और चली ये बोली करो मन में विचार जिन्होंने लगातार माता जी के चातुर्मास में अपनी भावनाओं को रखा हर स्थान पर जाकर जिन्होंने अपनी दान की राशि दी लगातार लगातार जो चौका लगा करके अतिथि सम भाग कर रहे हैं ऐसे खांडू कॉलोनी से वासवाड़ा से श्रीमान अरुण जी का पूरा परिवार दौड़ लगा के आए नीचे एक और अर्घ कौन एक जयमाला का थाल और कोई है क्या बोलो आओ जल्दी जयमाला के थाल के लिए किसी की भावना 21 से 21 1 कोई 5100 वाला है क्या 51 से 51 3 बार ताली बजाओ और ये सौभाग्य पा लिया बहादुरपुर के बहादुरों ने जोर ताली बजाओ बहादुरपुर के बहादुरों के लिए ये भी हर समय माता जी के साथ बता दो तो बिहार अभी 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 बिहार हो और अभी जी कर उनके पद पर गमन कर सुख पा कर के शिव जा कर जीवन अपना चमन कर और ये खुशी की बात अभी तक की जितनी भी बोली की राशि थी इन्होंने कल शाम तक संपूर्ण राशि को जमा भी कर दिया है बहुत बढ़िया ओम रीम सठ पंचाशत अधिक दी सतगुण मंडी श्री सिद्ध परमेश नमा पुण्य अर्घ्यम निर्वा पामी और अब माला ओम रीम समय दर्शन ज्ञान चरित्र व्यू नम ओम रीम समय दर्शन ज्ञान चरित्र व्यू नम ओम रीम समय दर्शन ज्ञान चरित्र व्यू नम ओम रीम नमो सिद्धानम 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 ओम रीम नमो सिद्धानम
ओम नमः नमो सिद्धान 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 ओम नमो सिद्धान सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः आ जाए बहादुर पाया है सोमति आदि के चतु ज्ञानों की आवश्यकता नहीं रही है सिद्ध ज्ञान में जानो जी केवल दर्शन भरा आत्म शेष दर्श सब विलय हुए तभी सिद्ध धुला सो तेरा मेरा मिटा मोक्ष की सदन हुआ अनंत गुण मय धन दौलत हरु सिद्ध शिला ही वतन हुआ नहीं सो अमित काल तक अमर हुए सिद्ध तभी चैतन्य धाम में सिद्धालय में भासत हो काला कूड़ा या सुंदर हो सब देहास जगात्र रहा तन कारा से छूटे सो तन अर्चन सुख का श्रोत रहा अतुल्य अलौकिक वीर मिला तो सेनन क्यों फिर मौलिक हो रहे अमूर्त के वर्ण बिना भी सुंदरता की गोलक हो श्वास नहीं उच्छ्वास करने की श्वास स्वयं ही निकल गई फिर भी चेतन प्राणों से प्रभु आत्मा मेरी सबल हुई यश कीर्ति भी नहीं बची पर यश प्रभु मन में फैल गया गोत्र बिना भी पवित्र पवन ज्ञान में सुख दे रहा हर अंतराय का अंत हुआ है विघ्न न कोई आता है नहीं बाधा हो कभी आपसे सो आश्रय में बाधा है अहो आपके विद्याधर के सुखपाशी कृष्ण वाले जाते हैं आशीर्वाद परि पुष्पांजलि छिपामी जगह जगह गुरु आपकी हो पूजा दिन रात गुरुवर सबके लाडले कारी आज का दिवस है मंगलकारी मंगलकारी अतिशयकारी मंगलकारी आज का दिवस है मंगलकारी आज का दिवस है मंगलकारी और लीजिए दिन काल के चिन्ह फल पायो मैं नारानी सो सत का कष्ट मिटाऊंगी तो उमय लोक सुख पाऊंगी नहीं अजा कलश तन बदन शबल जिन गाने फल पायो मैं नारानी श्री सिंह चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से पानी फल पायो मैं नारानी एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन कर अति हर्षी उर में फिर लगे साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी फल पायो मैं नारानी बैठी कर मुनि को नमस्कार निज निंदा कर बार बार परि अश्रु नयन कहे धुनि सो तो कद कहानी फल पायो मैं नारानी बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो नहीं रहे कुष्ट की तन में ना जानी फल पायो मैं नारानी सुन साधु वचन हरसे में ना नहीं हो झूठ मुनि के बैना कर के श्रद्धा से सिद्ध चक्र की ठानी फल पायो मैं नारानी जब पर्व अटाई आया पुत सब युद्ध पाठ कराया है सबके तन छिड़का यत्र नमन का पानी फल पायो मैं नारानी कंधो तक छिड़कत बस दिन में नहीं रहा पुष्ट किंचित तन में भई सात शतक की काया स्वर्ण समानी फल पायो मैं नारानी भव भोग भोग योगेश में श्री पाल कर में हनि मोक्ष गए तुझे भव में ना पामे शिव रजदानी फल पायो मैं नारानी जो पाठ करे मन बचतन से फिर छूट जाए भव बतन से मत करो बिकल बिकाज ने वाणी फल पायो मैं नारानी
विश भैया ने कीबोर्ड बजाया। तुम ले लो आज बधाइया, 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 तुम ले लो आज बधाइया। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।